एक जंगल था जहाँ एक आलसी बगुला रहा करता था। वो इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उसे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। अपने इसी आलस के कारण बगुले को कई बार पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। नदी के किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बगुला बिना मेहनत किए खाना पाने की युक्तियां सोचा करता था। एक बार जब बगुला ऐसे ही कोई योजना बना रहा था और उसे एक आइडिया सूझा, तो तुरंत ही वो उस योजना को सफल बनाने में जुट गया और वो नदी के किनारे एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा। उसे इस प्रकार रोता देख केकड़ा उसके पास आया और उससे पूछा, अरे बगुला भैया, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? उसकी बात सुनकर बगुला रोते रोते बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक न जाने कितनी मछलियों को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है और मैंने ये वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। ये सुनकर बगुले ने जवाब दिया, अरे किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है। भाई वैसे भी मुझे कल त्रिकालीन बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ ही समय में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण सब मर जाएंगे। ये सुनकर केकड़े ने जाकर ये बात तालाब के सभी जीवों को बता दी और ये बात सुनकर तालाब में रहने वाले कछुए ने चौंक कर पूछा, अरे तो फिर इसका क्या हल है? फिर बगुले ने कहा, अरे हम यहाँ से कुछ कोस दूर एक तालाब है, हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकते हैं। वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। मैं एक एक को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ छोड़कर आ सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर सारे जानवर खुश हो गए और अगले दिन से बगुले ने अपनी पीठ पर एक एक जीव को ले जाना शुरू कर दिया। वो उन्हें नदी से कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर ले जाकर मार डालता। कई बार वो एक बार में 2 जीवों को ले जाता और पेट भरकर भोजन करता। उस चट्टान पर मरे हुए जीवों की हड्डियों का ढेर लगने लगा था। बगुला अपने मन में सोचा करता कि ये सब कितने मूर्ख हैं, जो इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गए। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, अरे बगुला भैया, तुम हर रोज किसी न किसी को ले जाते हो, मेरा नंबर कब आएगा? तो बगुले ने कहा, ठीक है, आज तुम्हें ले चलता हूँ। ये कहकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ चला। जब वो दोनों उस चट्टान के पास पहुँचे तो केकड़े ने वहाँ अन्य जीवों की हड्डियाँ देखी और उसका दिमाग दौड़ पड़ा और उसने तुरंत बगुले से पूछा, अरे बगुला भाई, ये हड्डियाँ किसकी है और जलाशय कितना दूर है? उसकी बात सुनकर बगुला जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे कोई जलाशय नहीं है और ये सारी तुम्हारे साथियों की हड्डियाँ हैं जिन्हें मैं खा गया। इन सभी हड्डियों में अब तुम्हारी हड्डियाँ भी शामिल होने वाली हैं। उसकी ये बात सुनते ही केकड़े ने बगुले की गर्दन अपने पंजों से पकड़ ली और कुछ ही देर में बगुले के प्राण निकल गए। इसके बाद केकड़ा लौटकर नदी के पास आ गया और अपने बाकी साथियों को सारी बात बताई। उन सभी ने केकड़े का धन्यवाद किया और उसकी जय जयकार की। अर्थात हमें आंखें बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत के समय भी
धैर्य और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए।